दोस्तों रात के मैनेजमेंट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो अभी कुछ देर पहले सुपरवाइजर भैया से मेरा बात हुआ, उन्होंने बोला कि कल रात को ही इस वार्ड का लिफ्टिंग दोस्तों हो जाएगा। और लिफ्टिंग होने की कारण में जो लगभग एफसीआर थोड़ा कंट्रोल में मुझे मिल जाएगा और मैंने जो एक्सपेक्टेड बॉडी वेट किया था तो उससे ज़्यादा थोड़े अगर बॉडी वेट आ जाता है तो बहुत फ़ायदा हो सकते हैं मेरे। तो इसके लिए कल लिफ्टिंग होने के बाद ही आपको एक्चुअल जो कैलकुलेशंस है वो मैं बता सकता हूँ। तो मुझे जो देख के लग रहा है कि ज़्यादातर टाइम में क्या होता है कि जब 30 से 35 से 40 डेज के बीच में लिफ्टिंग होते हैं तो थोड़े छोटे बैड रह जाते हैं, लेकिन आपका बॉडी वेट अगर 2300-2400 ग्राम का हो जाता है तो मिनिमम जो बॉडी वेट फॉर्म के अंदर रहता है वो 1800 प्लस रहता है। तो इसके वजह से ज़्यादा बाड बाद नहीं पड़ता। तो आपका जो हर एक बाड अच्छे बाड के जो लिस्ट में आ जाते हैं तो इसके लिए दोस्तों कोशिश कीजिए कि थोड़े बाड को लगभग 2400 या फिर 2300 अगर ना हो तो लिफ्टिंग ना करने की। दोस्तों अभी लिफ्टिंग डे का वीडियो मैं बनाऊँगा कल। तो मैंने आज सोचा कि पेपर का जो इस्तेमाल मैं पिच कर रहा था वो मैं ना करूँ, क्योंकि अभी जो वेदर है वो बहुत ही स्टेबल है और दो दिन बारिश होने के वजह से लीटर का जो कंडीशंस है एकदम ही खराब हालत में है। अगर मैं आज पेपर का इस्तेमाल करूँगा तो बाट के अंदर फार्म के अंदर अमोनिया गैस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसके लिए आज मैं पेपर का बाहर की तरफ कोई भी इस्तेमाल नहीं करूँगा। अगर थोड़े बहुत मुझे लगेगा कि हवा बह रही है, ठंडी हवा बाट को लग सकती है, तभी दोस्तों मैं पेपर का इस्तेमाल करूंगा, नहीं तो पेपर का मैं इस्तेमाल आज नहीं करूंगा। तो कोई भी मेडिसिन मैं आज इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ सोयाबीन ऑयल वाला जो फीड था उसका जो लास्ट डोज था वो लगभग आज कंप्लीट हो चुके हैं। और कल सिर्फ सुबह आकर जितने हो सके फीड है जो रात तक कंज्यूम करेगा वो मैं सारे दे दूँगा, क्योंकि रात में अगर लिफ्टिंग हो जाएगा तो मुझे उतना ही फीड देना होगा जो रात तक वर्ड फीड इंटेक करे। तो सुबह मुझे फीड को रनिंग रखना होगा, जो फीड देना होगा वो सुबह ही देना होगा। और दोस्तों देखता हूँ क्या होते हैं, लेकिन बाड का जो कंडीशन है उसके हिसाब से अगर देखा जाए अभी बाड एकदम सही है और मोर्टैलिटी परसेंटेज भी बहुत कम है। देखता हूँ शायद एफसीआर अच्छा आ जाता है, अगर आते हैं तो आपको ज़रूर अपडेट करूँगा हर एक चीज़ के बारे में। तो लिफ्टिंग डे से पहले हमेशा दोस्तों ध्यान रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि थोड़ी एक गड़बड़ अगर हो जाती है तो आपको जो रिज़ल्ट है उसमें इफ़ेक्ट आ सकती है। तो कुछ भी गड़बड़ ना हो इसके लिए इस चीज़ को हमेशा दिमाग रखने की कोशिश कीजिए कि कोई भी डिस्टर्बेंस बाढ़ को ना आए इस बारे में। तो दोस्तों यही था एक मैनेजमेंट वीडियो रात का। अगर आप वीडियो पसंद करते हो, बहुत सारे भाई को देखता हूँ वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता, कमेंट नहीं करता, लाइक नहीं करता, तो दोस्तों ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपका फीडबैक क्या है। अगर आप हमसे बात करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, आप कॉल कर सकते हो, मुझे से बात कर सकते हो। दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, आपका इंट्रोडक्शन देना ज़रूरी है। दोस्तों जय हिंद दोस्तों।